सॉरी मैं करा ये सागा गाइस वेलकम टू द संदीप बॉयज। आज फिर से एक बार लौटे हैं, थोड़ा देर से लौटे हैं लेकिन इंशाल्लाह अब जल्दी जल्दी लौटेंगे। यार ये दोनों भी संदीप बॉयज ही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आज हम तीनों एक साथ बहुत देर के बाद लौटे हैं आपके साथ। नहीं तो कभी मैं होता था, कभी अल्ताफ होता था, कभी राजा होता था। ये ऐसे कि हम थोड़े अपने अपने काम में बिजी हो गए थे, अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए थे। आज फिर से एक साथ मिले हैं। क्यों मिले हैं, किस लिए मिले हैं, वो हम आपको आहिस्ते जाने वाले हैं अपनी शाही सवारी पर। शाही सवारी किधर चली गई? शाही सवारी पर जाने वाले हैं, हमारे दो दोस्त और हमें ज्वाइन करेंगे गार्डन से। उसके बाद जो है यही है हमारी शाही सवारी, ये खुद भूल गया था। गार्डन से हमें ज्वाइन करेंगे तो उसके साथ हम निकलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार जगह पर, थोड़ा तफरी कर। अभी रात को तकरीबन 12:30 बजे है ना, 12:30 बजे है रात को। अभी हम निकलने वाले हैं, नहीं करना इसको, हम निकलने वाले हैं और इंशाल्लाह अभी जो है हम आपको आहिस्ते 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 व्लॉग्स देते जाएंगे। ये हमारी हम आपसे माजरत करते हैं, निकलो मिनट, हम आपसे माजरत करते हैं। ये हमारी जो है वो बहुत बड़ी गलती है कि हमने चैनल को बिल्कुल एक साइड पे छोड़ दिया था, आप लोगों को बिल्कुल एक साइड पे छोड़ दिया था, वरना आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत आ रहा था। आप भी माजरत करो, आपने भी कुछ नहीं छोड़ा है व्लॉग पर, 4-5 महीने हमने चैनल को छोड़ दिया था। एक चीज़ पर काफ़ी हंसी आ रही कि इमरान अली आरमान ने आपको कहा कि हम आहिस्ता 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 व्लॉग छोड़ेंगे, बहुत स्लो स्लो, ये बहुत स्लो स्लो व्लॉग छोड़ेंगे। यार अभी आप लोगों को पता है कि 3 साल कोरोना में जो वेस्ट हुए हैं, कितने रोजगार चले गए, कितनों की जॉब चली गई है और पेट्रोल भी पाकिस्तान में कितना महंगा हो गया है। वाह वाह, तो उस हवाले से हमको अलग अलग कारोबार करने पड़ रहे हैं, अलग अलग जॉब्स करनी पड़ रही है। इस वजह से हमारी जो लाइफ है वो बहुत बिजी हो गई है। अभी जो मैं हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, छोटे छोटे 3 बिजनेस एक दिन में करता हूँ। ये मेरा भाई 2 जॉब करता है, एक दिन को करता है, एक इवनिंग टाइम पर करता है, और ये मेरा भाई बिल्कुल फ्री है लेकिन फिर भी व्लॉग नहीं बनाता है, ये रात का काम करता है। चलो गाइस आगे मिलते हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि हम अपने दो और दोस्तों को हम पिकअप करेंगे, तो हमने पिकअप कर लिया है गार्डन से। ये देखो, एक शाजमान और एक रेमान, दोनों हमारे कज़न भी है और दोनों भाई भी है, दोनों दोस्त भी है। हम पाँचों खड़े हुए ना, हम पाँचों कज़न हैं और हम पाँचों जो है वो पाँचों के पाँचों हम भाई जैसे भी है, दोस्तों जैसे भी है। और हम पाँचों आज मिल के चलेंगे चाय पीने, और बड़ी ज़बरदस्त जगह पे हमें अल्ताफ लेके जा रहा है, हम उनके साथ जाएंगे, हमें चाय पिलाएगा, चले हमारे साथ आगे। हमारी यहाँ पर खड़ी हुई है दूसरी, वो देखो सफ़ा हो रही है, बिल्ली इसके ऊपर बैठी थी, बिल्ली इसके ऊपर बैठी थी, जैसे हमारा बसर बशर आ गया। ये देखो उगा था, तो गाइस फाइनली हम अपने स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। अल्ताफ बोल रहा था कि आप लोगों को चाय पिलाएंगे, हमें सुल्तानाबाद गोलीमार सुल्तानाबाद कॉलोनी से लेके आया है, यहाँ पर रंछोलन के आगे ली मार्केट से पहले, इतना दूर लेके आया है सर्दी में रात को 1 बजे सिर्फ चाय पिलाने के लिए। देखते हैं, अभी बोल रहा है चाय पीते हैं, अभी इस जगह पर क्या मिलता है हम तो नए हैं, आपको एक बार जगह भी दिखा देते हैं। जो भी पियेंगे इंशाल्लाह अगर अच्छा होगा हम आप लोगों के शेयर करेंगे, लाजमी शेयर करेंगे। और हम पाँचों यहाँ पर क्यों आए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे एक दोस्त की शादी थी, मुझे अल्ताफ को राजा को तो दावत थी, हमें तो पता था कि हम आ रहे हैं, लेकिन शाजमान और रेमान भी इस शादी में शरीक है ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। ये दोनों हमें अचानक से मिले, हम पांचों एक साथ निकले हैं पार्टी करने रात को 1 बजे। बहुत सर्दी है, यकीन मानो बहुत सर्दी है, हमारी शाही सवारी में तो बहुत सर्दी है। दिखा दें हम आप लोगों को कि हम कौन सी जगह पर आए हैं। असल और पुराना मामू सिंस 1995 से ही अपनी खिदमत पाकिस्तान की आवाम को सर्व कर रहे हैं। नाम वापसी पढ़ना, असल और पुराना मामू बनाने वाला। हाँ, सिर्फ अच्छा तुम हमें चाय पिलाने का बता रहे थे, यहाँ पर क्या मिलता है, तुम हमें क्या पिलाने आए हो? यहाँ पर लिखा हुआ है चिकन का सूप। चिकन कौन सूप? चिकन कौन सूप है ये, ठीक है। और आप रश यहाँ पर देख सकते हैं इमरान, थोड़ा सा रश अगर आप दिखाएं हमारे व्यूवर्स को, वहाँ से अगर नीचे। हाँ, यहाँ से नहीं आ रहा है क्योंकि फैमिली एरिया है, हम आपको यहाँ से दिखाएंगे क्योंकि यह रोड के इस साइड पे भी बहुत रश है और ये पूरा रोड जाम है। सिर्फ ये क्या है, असल और पुराने मामू की पार्किंग की वजह से। और यहाँ पर एक पिकअप खड़ी हुई है, पिकअप को अगर हटाकर देखा जाए तो यहाँ पर ये वहाँ की फुटपाथ और रोड पूरा फुल है,
सिर्फ यहाँ पर क्या सूप पीने आए हुए हैं? यहाँ पर ये देखो सब लोग सूप पीने आए हुए हैं और यहाँ पर सूप की पार्टीज भी चलती हैं। लोग रात को यहाँ पर ठंड में इस सूप को एंजॉय करने आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सूप है वो पूरे कराची में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ये 1995 से अपनी खिदमत पाकिस्तान की आवाम को सर्व कर रहे हैं, तो आप देखें पाकिस्तान की आवाम भी पागल है इनके सूप के लिए। एक और व्यू मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ रोड का, ये व्यू भी आप देख सकते हैं कि ये देखो पूरे रोड पर पार्किंग और सिर्फ बेंच लगी हुई है। यहाँ पर हम बैठ रहे हैं, ये पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर सूप पीने के लिए लोग आए हुए हैं। वाकई में कोई चीज़ होगी तभी लोग आए हुए हैं, तो हम भी चलते हैं। गाइस यहाँ से स्टार्टिंग से ही लग रहा है कि वाकई में कुछ अमेजिंग चीज़ है, कुछ स्पाइसी है। चटनियों के नाम आपको अल्ताफ़ बताएंगे, राजा बताएंगे। ये हमारे पास रेड चिली है, ये हमारे पास जो ग्रीन चिली है, ये हमारे पास चाट मसाला है, ये खाली है, ये खाली है, ये हमारे पास सिरका या विनेगर, और ये रेड विनेगर। रेड विनेगर अभी स्टार्टिंग में ही ये पूरा हमें दे दिया गया है। देखते हैं आगे क्या है। जाहिर सी बात है, अगर मैंने आपको रोड दिखाया, फैमिली दिखाई, और ये पूरा जो है ये भाई खाली क्यों शुरू हो गए हो? इतना कुछ मैंने आपको बताया है तो कोई चीज़ होगी तभी कराची की आवाम यहाँ पर पूरी आ रही है। हम भी देखते हैं, एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि गाँव के लोगों का भी मुँह जलता है या नहीं जलता है, क्या होता है इस चीज़ में। अच्छा गाइज, यहाँ पर मैं एक चीज़ की माजरत चाहता हूँ, एक मिनट गाइज, मैं माजरत चाहता हूँ। यहाँ पर शोर बहुत है गाड़ियों का और आवाम का, तो मेरा जो वॉइस है, हमारा हम में से किसी का भी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा। लेकिन आज एक अमेजिंग लाइन मैंने सुनी है, राजा और अल्ताफ जो शाम से लेकर गुनगुना रहे हैं, उनका आवाज़ भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है और वो शायरी भी कमाल की है, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आपको सुनाए। राजा अल्ताफ यार, वो लाइंस सुना देना व्लॉग में भी, और यार थोड़ा आवाज़ बढ़ा करना कि सबको सुनाई दे। स्टार्ट। चांद तारों की सुहानी रातें, कैसे बोलूंगा वो मुलाकाते, दिल की शम्मा जलाए बैठा हूँ, शम्मा जलाए बैठा हो, अब तो मुझे खुद पे प्यार नहीं। असल में ये लाइन जो है वो टिकटॉक पे हमने सुनी थी, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई सोलंगी भाई के नाम से है। बहुत ही आला तरीन लिरिक्स उसने लिखी है और उसने गाया भी एकदम मस्त तरीके से है। हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा याद करें और आपको गा के सुनाएं, ताकि वो भी खुश हो जाए, क्योंकि हमें वो बहुत दिल से लगी है, बाकायदगी से दिल से लगी है ये लाइन। अमेजिंग गाइस। गाइस आज हक सच हक पाकिस्तान वाले भी हमारे पास पहुंच चुके हैं इंटरव्यू के लिए, इनका भी चैनल है, आज हम हक पाकिस्तान में भी आने वाले हैं, इनकी टीवी चैनल पर भी। क्या इन्होंने सूप पी लिया है, नहीं पिया, या इनका सूप आने वाला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि खट्टा से कराची आए हैं और कराची में मामू सूप, ये तो इत्तेफाक है या एक प्री प्लानिंग है? हाँ एक्चुअली पहली मरतबा मुझे यहाँ पर मेरा कज़न लेकर आया था और मुझे इनका जो सूप है वो नहायत ही बहुत ही पसंद आया था, तो आज मेरे साथ जो मेरे हमरा है, जो मेरे साथी हैं, जो असली बहस के आपको बताया कि हमने यहाँ पर आज असल और पुराना मामू का जो सूप है वो ट्राई करने के लिए आए हैं और मैं इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आज हमें इत्तेफाक से यहाँ पर एक और हमारे यूट्यूबर भाई मिले हैं जो है हक टीवी से, हक पाकिस्तान से, तो आज हम इनसे पूछते हैं कि इनका जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये कराची वाले हैं, मटीरियल सिंध वाले हैं, तो इनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा है और ये अपने चैनल से मतलब क्या क्या कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर है और आज आप देख रहे हैं सिंधी वॉइस। नाज़रीन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जैसे कि आप लोगों को पता है, आप जानते भी हैं मुझे, कि मोहम्मद अरफात क्या करता है, हमेशा नई चीज़ लेकर आता है और सिंधी बॉयज भी इसी तरीके से इसी वे पर हैं, हमेशा नई चीज़ लेकर आएंगे। ये ठट्टा से कराचियाँ हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, कि कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि हमारे यहाँ पर सिंधी बॉयज़ के चैनल पर आज एक और हमारे भाई थे, उन्होंने भी यही कंटेंट को प्रमोट किया है। तो मतलब इस जगह की बहुत ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में और कराची में बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है ये। तो आप ज़रूर आएँ, हमारे जो चैनल को क्लिक करें, ठीक है, हमारा ये ब्लॉग लाजमी देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑब्वियसली अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी यूट्यूब हमारी जो कम्यूनिटी है सिंधी बॉयज़ इसमें जुड़ सके। थैंक यू। तो गाइज फाइनली खांसी भी बहुत हो गई है, बहुत इंतज़ार के बाद हमें सूप मिल चुका है। हम अलग अलग किस्म से आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं, आपको दिखाएंगे अभी। वाकई दिखने में बहुत बेहतरीन चीज़ लग रही है। ये मिक्स हुआ सादा है, ये मिक्स हुआ मसाले वाला है, ये देखो मिक्स कर रहा है और ये सिर्फ मसाला पड़ा हुआ है। और अभी भाई मसाला डालने वाले हैं, हम आपको दिखाएंगे। भाई जाना मसाला डाल के खाएंगे ना? बिल्कुल, थोड़ा सा मसाला डालूंगा क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है। ये आ गया चाट मसाला, ये आ गया ग्रीन चिली, ग्रीन चिली, ये आ गया अपना रेड चिली सॉस, ये आ गया ब्लैक ब्लैक पेपर सॉस और ये आ गया अपना सुरका। और खाली डब्बे से, खाली डब्बे से भी ये भी आ गया थोड़ा सा धनिया। अच्छा खाली डब्बे में धनिया था, अनविजिबल था। प्याज है, प्याज कच्चा प्याज। और राजा भाई ने तो सादा खाने वाले थे ना, ये तो पूरा ब्लैक कर दिया है। ब्लैक एंड व्हाइट। और अल्ताफ भाई उसका आज पेट खराब है, स्पून लेके बैठा है। अच्छा खाली स्पून खाओगे? मुझे बोला कंपनी देनी है तो मैं साथ है। अच्छा तो पहला सिर्फ आप भी भर के दिखा दीजिए हमें कि क्या चीज़ बनाई हुई है। आपने तो पहले भी खाया हुआ है मेरे ख्याल से। अभी आप मिक्स करेंगे। रहमान भाई से हम पूछ लेते हैं, रहमान भाई आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। आपने पहले कभी इस जैसा टेस्ट ट्राई किया था? मैंने तो बहुत सूप पिया लेकिन ये इतना डिफरेंस है, इसका टेस्ट सबसे अच्छा है। राजा भाई ने भी ट्राई कर लिया। राजा भाई आपकी एक्सपीरियंस क्या कहता है? थोड़ा सुरका कम है, थोड़ा सुरका कम है। शाहजमान भाई आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैंने अभी तक मिक्स कर रहा हूँ। अभी तक मिक्स कर रहे हैं आप? क्या जूसर ग्राइंडर लाए हुए? अच्छा वाला ग्राइंडर लाया हूँ, लोकल ही लाया हूँ मैं। इमरान ने ये कभी ट्राई नहीं किया। इमरान आप ट्राई करें और हमें बताएं। ये अभी थोड़ी देर पहले किसी और सूप की तारीफ़ कर रहे थे, तो इमरान आप ट्राई करें और बताएं क्या डिफरेंस है। मुझे क्रंच के साथ हमेशा अच्छा लगता है। तो जो आपने पहले खाया था और जो ये आप सूप पी रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है बताएं? यार डिफरेंस ये है कि टेस्ट ऑलमोस्टली जो थोड़ा बहुत सेम होता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या डाला हुआ है, कोई इंग्रेडिएंट चेंज है। हम उनसे लास्ट में लाजमी पूछेंगे। वाकई में टेस्ट है, कुछ बता नहीं पा रहा हूँ लेकिन वाकई में टेस्ट है। मज़ा इंजॉय किया आपने? मतलब हम सही जगह पर आए इमरान, बेहतरीन। सर्दी लगी दूर आए, रात को देर हो गई, लेकिन वाकई में चीज़ है यार। अच्छा आप बता दें कि मैंने जो मसाले डाले वो आपके हिसाब से कैसे है? इमरान के हिसाब से मसाले पी रहा हूँ तो अभी मेरे जेब में राइजिक भी नहीं है ना ईसो है, तो अल्लाह रहम करे। सही लगे मसाले? शाहजमान आपको कैसा लगा? आप भी पहली बार पी रहे हैं, क्या तेज हो गया क्या? माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, हल्का मसाला डाला है। नहीं आप तो पहले से मेरे ख्याल से कराची के ही है, कराची में ही रहते हैं आप, ट्रैवलिंग करते रहते हैं गांव और कराची, लेकिन अभी जो एक महीना हुआ है आप कराची में ही रह रहे हो, तो आपने इन सर्दियों में और कई जगह पर भी ट्राई किया हुआ होगा? तो पहले कभी किसी जगह पर ट्राई किया हुआ है ठट्टा में या कहीं पर? आपकी लाइफ तो अभी 30 साल की तो लग रही है देखने में। मैंने एक ही जगह पर ट्राई किया, वो मैरिज में ट्राई किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। और नेक्स्ट ये मैं उसके हिसाब से ये कैसा आपको लग रहा है? इमामू बना रहे हैं या वाकई में कोई चीज़ है? इमामू बना रहे हैं, बताते कुछ और है, देते कुछ और है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है ये। और कोई इंजॉय करे साथ में। मतलब शाहजमान भाई का कहना है कि इन्होंने जो अपना दुकान दिखाया हुआ है वो थोड़ा पुराने टाइप का दिखाया हुआ है, लेकिन जो चीज़ दी हुई है वो वाकई में कमाल दी हुई है, वाकई में कमाल दी हुई है। रहमान भाई आपका भी बहुत डार्क हो चुका है तो बहुत तेज़ होगा। मता पियो मान जो ना मां जो तेरी सिद्धि सिखी तो गल है आला दई।
सर्दी जो मौसम है तो मसालों तेज हो जाए, सर्दी जो दुश्मन है मसालो। चलो गाइस चट्टियों पे हाथ रख। गाइस फाइनली हम फिनिश कर चुके हैं, तो वाकई में चीज थी जो इतनी जल्दी हम ख़त्म कर चुके हैं। ये भी देखो और इन लोगों को मेरे ख्याल से कुछ अच्छा ज़्यादा ही अच्छा लग गया है अभी तक। स्लो तो मज़ा बात में है, नीचे से निकलेंगे। इन्होंने इतना तेज़ बनाया है, बाकी वाकई में एक्सपीरियंस जो है हमारा आज बूस्ट हो गया, बेहतरीन चीज़ हमें मिली। तो बाय नहीं कहेंगे और भी आगे चलेंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ रहना। तो गाइस हमारे साथ ये काफ़ी जो हमारे पास पीछे ये बॉयज़ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये भी इंजॉय करना है। तो जब हम आए थे तो उस टाइम पे हमारे साथ ये बॉयज़ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, हम कुछ सॉन्ग्स गा रहे थे और ये बॉयज़ जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सूप का वेट कर रहे थे और ये चेयर्स बिल्कुल घुमा के हमारे साथ ही इंजॉय कर रहे थे, वोटिंग कर रहे थे। तो उनको भी हम हाय बोलते हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर जब हम आएंगे तो कोशिश करेंगे हमारे साथ कुछ नए बॉयज़ जुड़े, ठीक है, न्यू इंटरेक्शन हो, क्योंकि वी ऑल पर्सनली बिलीव दैट कि इंटरेक्शन से आप ज़्यादा सीखते हो और जितने आपके जो नेटवर्क्स हैं वो आप जितना इंटरेक्ट करते हो वो नेटवर्क इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपका बढ़ता है, बिल्ड होता है, क्रिएट होता है, बढ़ता है, बूस्ट होता है, एनहांस होता है, जो आप बोले से बढ़ता है नेटवर्क आपका बढ़ता है, मैंने बोल दिया वही बोल दिया, डिक्शनरी खोलो मगी। चले राजा कितरो बताओ साई, आखिरी उखराण आखिरी शम्मा जलाए बैठा हूँ, दिल की शम्मा जलाए बैठा हूँ। गया बस खत्म। मजबूरी दिल के अन्या तो समझी सगियो नाए, मजबूरी दिल के अन्या तो भी समझी सगियो नाए, छो पई माँ अकेली ही सुख भी मुझो अंदर सरियो गयो। चलो गाइस इमरान भाई आप लास्ट हमारे वर्ड्स बता देंगे या फिर अच्छा आगे और चल रहे हैं, चलें सही है, हम वैसे चल चल के थक गए, टांगों में दर्द हो गया, लेकिन इमरान भाई हमें हाइकिंग पे लेकर आए तो और भी चलाएंगे फिर कूड़े नैन स्कूटर पर देखा रही है लोग हमें उन्होंने आया हूँ ये खल लाइन बैठो मैं जी। गाइस रात को 2:30 बज चुके हैं और सर्दी इंतहाई बहुत है, रहमान भाई से मैंने शॉल ली थी उधर यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अब हम रहमान भाई को और शाजमान भाई को ड्रॉप करने आए हैं। शुक्रिया हमारे साथ हमारे चैनल में चलने के लिए शाजमान भाई, थैंक यू। वो जा रहे हैं, सर्दी बहुत है, सीधा घर। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी हम चलते हैं हमारे आगे सफ़र पर, जहाँ सिर्फ हम तीन ही चलेंगे क्योंकि सर्दी के कारण ये दोनों फैमिली वाले घर पर जा रहे हैं। ये आ गया। ओके भाई छड़ालो जी नहीं हुए अभी तो इनको चल रहे ऊपर खाना बनाना है, रात को 2:30 बजे कौन सा खाना बनाना है, सुबह में गैस नहीं है यार, वाकई में यार कराची में आया हूँ मुझे ये पता चला है कि सर्दियों में गीज़र वगैरह भी नहीं चल रहे क्योंकि रात को तकरीबन 11 बजे गैस चला जाता है और सुई गैस चला जाता है, सुबह 7 बजे आता है, सुबह 7 बजे चला जाता है, रात को 11 बजे आता है। हाँ, आप सो के उठेंगे गैस नहीं होगा, आप सोएंगे गैस आ जाएगा। अब ये किस काम का गैस है यार, ना खाना बना सकते ना पानी गरम कर सकते, खाना बनाना है बाबा, हेलो घर अली मानी बनाएगा मानी। चलो यार आप जाके खाना बनाओ, हम निकलते, हम तो मेहमान है भाई, हम मेहमान है, हम जाएंगे यार। ठीक है जानवर भाई, तो चूल्हा भी लगाना है उसमें तिली भी लगाना है, तो मैं अकेला बन रहा हूँ कि चूल्हा लगाऊंगा तिली लगाऊंगा। चलो जानवर भाई, मेरे साथ चलो, जो जो देख रहे हैं मेरे साथ चलो, आ जाओ टेंट बनाते, चूल्हा लगाओ और तिली लगाओ, आ जाओ आ जाओ। हां शाहमान हर लोग में खाना है इंशाल्लाह। हेलो चलो ठीक है जानवर भाई, अभी हम निकल रहे हैं। अरे ये देखो भाई, ये तो भाग रहे हैं।
ठीक है जाजान भाई, थैंक यू सो मच। तो गाइज फाइनली हम सुल्तानाबाद कॉलोनी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अल्ताफ हुसैन का घर है जहाँ पर मैं और राजा दोनों नाइट स्टे करेंगे। राजा क्यों नींद लगी है क्या? मौला जे शुक्र असा असी शाजमान जे तीली गेसा का बची निकता आयूं। तो हाँ जो सो असो सिंधी बॉयज चैनल जो तक खबर है तक इलाही मज़ो इंदो। असा को उम्मीद है तुम जो सो सिर्फ एकड़ो कम कर जा जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है ए सेहत ला इलाही सुठो है। हेट गाढ़ो बटन लगो पे हों उनके पंच हणो लत हणो चप्पल हणो छा भणो पर मड़ी वो दब जी वे वरी एकड़ी बार खुली तेमें बेल आइकन हों उनके दबा लाइज तो असा थोड़ा घो फायद खबर है दुनिया लालची है असा थोड़ा घो फायद ना तो असं वे अगर वेंदी इनशाला गड हों हर वक्त सलाई असड़ी गाल भी कर चाहूँ तो आखिर में असो जो सो अस प्यारो दोस्त जे दोस्त हो तो कौन पर दोस्त थी हो जिते कॉन्सोप पीण वी उत असो सो पाकिस्तान कड़ो हक पाकिस्तान जो सो अस मिलो उनको सो व्लॉग ठाको उनमें भी सो अस इंट्रोड्यूस कराई है असम जो सो व्लॉग ठाई है उनमें असा उनके इंट्रोड्यूस कराई है तो तुम उन लाइक कजा शेयर कजा सब्सक्राइब कजा पर पे असा कजा तेखा होदा वन सही लालची।